हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए हम नाश्ता पानी कर रहे हैं, अभी चाय वगैरह मैंने पी ली है और झाड़ू वाड़ू निकाल लिए, मतलब काम भी कर लिया है मैंने सुबह का। अब नहाना धोना है, कपड़े धोना है, बच्चों को नहलाना है, उनको ऑनलाइन क्लास के लिए बैठाना है, तो इसीलिए मैं बच्चों को लेके आती हूँ नीचे से फटाफट जल्दी से उनको नहला के, और फिर ऑनलाइन क्लास के लिए भी बैठाने वाली हूँ मैं। तो मैं फटाफट जल्दी से ये बनाना खा लेती हूँ, अपना बनाना फिनिश कर लेती हूँ फटाफट, और फिर नीचे चलते हैं। तो देखिए पूरा काम करके और रेडी होके नहा धो के मैं आ गई हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। और तो दो बार तो ट्राई कर ही चुके हैं, वैक्सीन के लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे वैक्सीन लग नहीं पाया है। तो फिर से अब की बार और एक बार जाके ट्राई करके आते हैं और देखते हैं अब की बार भी लगता है कि नहीं वैक्सीन। तो अभी निकल पड़े हैं हम वैक्सीन लगवाने के लिए और जा ही रहे बस, और देखते हैं क्या होता है। देखिए आ गई हूँ मैं घर पे, क्योंकि राहुल भी चलने के लिए बोल रहा था, तो अब देखते हैं वो बाहर आ रहा है तो फिर चलेंगे अभी उसको भी पिकअप करके यहाँ से। देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और अभी ले लेते हैं राहुल को। तो देखिए आ गए हैं राहुल और चलते हैं अभी वैक्सीन के लिए, हमने इसको ले लिया है और अभी चल ही रहे हैं बस, और देखते हैं क्या होता है, लगती भी है कि नहीं, क्योंकि दो बार तो ट्राई कर चुकी हूँ और अब तो भीड़ वैसे कम है तो शायद लग ही जाएगी। लग कर दी ना रजिस्टर। तो देखिए फाइनली वैक्सीन लग चुका है और अभी हम दोनों ही वैक्सीन लगवा के आ गए हैं। तो देखिए इधर ही यहाँ पर लग रहा है वैक्सीन, तो अभी वैक्सीन लगवा के और चल रहे हैं बस। तो कम से कम अब फ्री तो हुए, मैं तो सोच रही थी पता नहीं आज भी लगेगा कि नहीं, कम से कम एक घंटा लग गया यहाँ पे। एक करोड़ या 90 लाख के आगे पहुंचे ये है। हाँ। फिर यहाँ पे क्यों पड़ी? एक करोड़ का बंदा है कोई नहीं। जाए तो कह रहा हूँ। तो फिर पहले बोलते बढ़ा लेते। हाँ। भाई साहब जी हमारी इधर भी एक एक करोड़ की गाड़ियाँ कौन लगी? ये नहीं बता रहे। वैक्सीन लगवा के बहुत मुश्किलों से बहुत कठिनाइयों से पसीने पसीने आ गए थे और दो बार भगा दिया था वापस, फिर तीसरी बार लगवा के आए, दो बार लाइन में खड़ा होना पड़ा है उसके बाद वैक्सीन लगी है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम है ये भी, बहुत ज्यादा कठिनाइयों से रेंगते रेंगते किसी ने कैसे लगते हो रहा है हाथ में क्या करे, और अब पता नहीं क्या क्या होने वाला है, डर लग रहा है। और तो क्या करें, घर पे पहुंच गए। चलिए चलते हैं अंदर, अब घर तो आ ही चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छी बारिश आ गई है, अभी शाम को शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं और बारिश देखिए कितनी अच्छी आ रही है, अभी बहुत बढ़िया मौसम हो गया है। जाली में से देखिए पॉपकॉर्न वाला आया है तो हम पॉपकॉर्न ले रहे हैं।
तो देखिए पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न वाला आता है इधर, तो हमने ले लिया है और अभी हम खा रहे हैं। तो अच्छा लगता है ये वाले पॉपकॉर्न भी, नमक के हैं ये दिया है तो। बहुत मस्त लगता है ये पॉपकॉर्न खाने में, क्योंकि सब चीज का अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो वो जो बटर में बनते हैं उनका अलग टेस्ट है, इनका अलग ही टेस्ट होता है। भैया आइसक्रीम कैसी लगी जो मोमो जी रहा है? कैसी लगी? ये आइसक्रीम है, अगर आप खाओगे तो आइसक्रीम के साथ साथ प्लेट भी चाटते रह जाओगे। पागल नहीं है जो खाद चाटते रह जाएंगे? बताया आइसक्रीम रंग बिरंगे लगी निकली थी, जेम्स आई थी इसमें रंग बिरंगी आइसक्रीम थी वो, देखा कैसी लगी आइसक्रीम? मस्त पिघली हुई थी आइसक्रीम थी वो, तो मामू लाए थे पर बहुत मस्त लगी। तो देखिए नारियल काट रहे, पहली बार ऐसा हुआ है। आर बताओ पता है भिंडी की चोरी। और देखिए देखिए भाई इतने पसीने आ रहे मम्मा के, इतने पसीने। देखिए नारियल को छिल रहे हैं अभी, और इसका क्या बनाएंगे अभी बताते हैं आपको। नारियल से पसीना, ओ पसीना, पसीना, पसीना। देखिए एक मिनट जो पागल हो जाता है, इतना पसीना, ओ पसीने की बारिश, ओ पसीना। ये नारियल है, इस तरीके से छिलना है नारियल ऐसे चाकू से, और इसके ऊपर का छिलका नारियल। अरे ये नारियल डिश, तो ये कच्चे नारियल जिनको हमने छील लिया है, और अब इनको ये ऊपर इसका पानी मैं ही पीता हूँ और कोई नहीं पीता। ऐसे दिखाओ, मैं भी पीऊ। अच्छा नहीं मैं भी पीती हूँ, नहीं मैं भी पीती हूँ ना। डिश 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 देखिए जैसे कछुए और रैबिट की कहानी होती है, ये कछुआ धीरे 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 छीलते जा रहा है और ये रैबिट जी जल्दी से छील लिए है। देखिए यश पालीवाल जी, यश 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 पालीवाल जी, बत कौन आया? कोई नहीं आया। ले यश यहाँ बोलना, यहाँ देखिए बोलने की बात आपको समझ आ रही है। तो देखिए मैं आपके साथ में एक रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ, और वो है नारियल का हलवा, कच्चे नारियल का हलवा। तो ये नारियल थे जिनको मैंने अब छिल लिया है इधर से इसका ये, और छिलके और उनको धो भी लिया है। तो कच्चे नारियल जो आते हैं पानी वाले वही है ये, इनको धो के और इस तरीके से तैयार कर लिया है, और अब इनको काट के और मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए मैं इनको इस तरीके से काट रही हूँ और अब इनको मिक्सी में पीस लेते हैं। टॉफी है ये, देखिए इस तरीके का पीस के तैयार हो चुका है, और अब मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो घी गर्म हो जाएगा, फिर हमारे ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जिनको हम पहले फ्राई कर लेंगे। ये काजू और बादाम कट करके ले लिया है मैंने इनको, और ये है किशमिश। गर्म हो चुका है घी, गर्म हो चुका है, और अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं हल्का ब्राउन।
और किसमिस को तो हम ऐसे ही डालेंगे। देखिए अभी इसको इस घी में फ्राई कर लेंगे। अभी पहले थोड़ा सा तो इस तरीके से इसको सेक लेंगे पहले। तो ये हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करना इसको, कच्चे नारियल का हलवा। तो देखिए ये थोड़ा सा पक चुका है, तो आज हम इसमें दूध डाल देंगे। देखिए दूध मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको दूध के साथ में पकने देंगे। हमारा हलवा अभी पक रहा है और अभी जब तक इसका ये दूध सूख नहीं जाता है तब तक इसको पकने देंगे। जब तक इसमें हलवे का टेक्सचर नहीं आ जाता जब तक इसको पकने ही देंगे, और फिर हम आगे इसमें चीनी वगैरह डालते हैं फिर बाद में। तो अभी ये पक रहा है। तो देखिए हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, तो अब इसमें ये इसका दूध सूख रहा है, तो अब हम इसमें ये चीनी भी डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अब तो मैंने ये इलायची पाउडर भी डाल दिया है इसमें। तो देखिए इसके बाद फिर अगर आपके पास घर की बनाई हुई फ्रेश मलाई है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं ये भी एक चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैं डाल देती हूँ। देखिए अब इसमें हलवे का टेक्सचर आ रहा है धीरे धीरे, और तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, नहीं तो इसमें कलर देने के लिए आप कोई भी कलर डाल सकते हो, मतलब फूड कलर, फूड कलर कोई सा भी डाल सकते हो आप। तो मैं इसमें केसर डाल रही हूँ और आप केसर भी डाल सकते हो कलर के लिए। तो मैंने केसर को गर्म दूध में भिगो के रखा हुआ था, 5-7 केसर है ये, तो अभी मैं इसको डाल देती हूँ उसमें। देखिए हलवा हमारा बन चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। देखिए ये थोड़ा सा घी में डाल देती हूँ 1 चम्मच। देखिए हलवा हमारा रेडी है और बहुत ही टेस्टी हलवा बना है और बहुत ही खिला खिला हलवा बना है ये। तो ये देखिए बहुत ही खिला खिला हलवा बना है कच्चे नारियल का, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हलवा है ये। तो देखिए बच्चे इधर खेल रहे हैं और इनको मैंने हलवा बना के दे दिया है और वो खा रहे हैं, देखते हैं कैसा बताते हैं वो। तो ईशान का तो पेट भर गया है रोटी से, क्योंकि ये तो रोटी खाता है नहीं, इसलिए इसका रोटी से ही पेट भर गया है। संडे को नहीं।